मध्यप्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री एवं कसरात विधायक के नेतृत्व में कसरावत की कृषि उपज मंडी प्रांगण से भव्य विशाल चुनरी यात्रा शुरू हुई। यात्रा देश की खुशहाली व समृद्धि के लिए गुरुवार को चुनरी यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों महिला एवं पुरुष शामिल हुए। पूजा नावड़ातोड़ी के मारेवा नर्मदा नदी तट पर स्थित शाली वाहन मंदिर में शिवलिंग की पूजा के साथ यात्रा शुरू हुई। पुरुष एवं महिलाएं कृषि उपज मंडी प्रांगण में पहुंची। इस दौरान सिर में साफा बांधे महिलाओं ने बैंड बाजे की धुन पर जमकर डांस किया। शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया। मुस्लिम समुदाय के शहर सदर एवं मुस्लिम जनों ने भी स्वागत किया। आयोजन कसरा विधायक के नेतृत्व में मारेवा नर्मदा की चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कसरावत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शेरू यादव, कसरावत जनपद पंचायत अध्यक्ष सारिका राजेश बागदरे, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष कसरावत नगर परिषद अध्यक्ष विमल राजेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहे। मां नर्मदा चुनरी यात्रा शुरू हुई। कसरावत कृषि उपज मंडी से विजय स्तंभ चौराहा, इंदौर रोड, छोटा नाका होते हुए नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ भव्य विशाल चुनरी यात्रा विजय स्तंभ पहुंची। यातायात व्यवस्था बनाने में कसरावत थाना पुष्प प्रभारी पुष्प करण मुगेल सहित बड़ी संख्या में जवान मुस्तैद किए गए थे। नवरात्र का पावन पर्व है और हम सब माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और एक विशाल यात्रा का आज आयोजन किया गया है विधायक सचिन यादव जी द्वारा। और हम सब माँ नर्मदा से, ईश्वर से, माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये क्षेत्र, प्रदेश, देश खुशहाल हो, भाईचारा कायम रहे यहाँ और हम सब उन्नति प्रगति करें, हमारा किसान आगे बढ़े, यही माँ से कामना है। आज लोगों के अंदर फिर वही उत्साह देखा गया जो सुभाष यादव के साथ देखा जाता था। लोग आपकी एक झलक पाने के लिए, आपका एक फोटो खिंचाने के लिए लाइन लग रहे थे, क्या कहेंगे? ये हमारे कसरावत के लोगों का प्रेम हमें प्रति बात करता हूँ। सुभाष यादव, सुभाष यादव। आदरणीय अरुण भाई के मार्गदर्शन में, आदरणीय विधायक महोदय के सानिध्य में इस यात्रा का भव्य आयोजन किया गया और प्रतिवर्षानुसार माँ नर्मदा को नवरात्रि में चूर्णी ओढ़ाने का ये कार्यक्रम सभी हमारे साथियों के सहयोग से आज संपूर्ण हुआ। आज कसरावत क्षेत्र की और नगर की जनता ने इसमें हिस्सा लेकर माँ नर्मदा के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया है। हम सब, हमारी जो माता बहनें कलश लेकर पधारी है, जो जनता आज नर्मदा तट तक कसरावत से यहाँ तक पधारी है, उनके हम सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं और माँ नर्मदा से कामना करते हैं कि शहर और हमारे क्षेत्र का लगातार उन्नति हो, विकास हो, यही हमारी सबकी कामना है। देखिए, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और इस पावन पर्व के साथ साथ माँ नर्मदा को हम अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी आस्था लेकर के, जो मैं समझता हूँ कसरावत विधानसभा और पूरे जो हमारा निमाड़ क्षेत्र है, एक और मध्य प्रदेश हमारा जो है, माँ नर्मदा में मैं आस्था रखता, विश्वास रखता है। माँ नर्मदा हमारी जीवनदायिनी रही है, जीवनदायिनी है और जिस प्रकार से माँ नर्मदा के आशीर्वाद से और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमारा ये जो पूरा क्षेत्र उन्नति, खुशहाली और तरक्की कर रहा है और एक अटूट विश्वास जो कसरावत विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, ये हमारा जो क्षेत्र है, ये हमारा परिवार है और ये संबंध हमारा यहाँ के लोगों से लगभग 40 साल पुराना, जब स्वर्गीय पिताजी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी थी, तब से लेकर के आज दिनांक तक वो रिश्ता, वो संबंध हमारा बना हुआ है, एक विश्वास जो है, और मैं समझता हूँ ये विश्वास ही का परिणाम है कि आज हमारे एक छोटे से बुलावे पर पूरे विधानसभा क्षेत्र की माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान सब जो है आस्था लेकर के, एक प्रार्थना लेकर के पूरे विधानसभा क्षेत्र के उन्नति और विकास के लिए हम सब साथी नवदुर्गा के इस पावन पर्व पर माँ नर्मदा के इस दरबार में हम सब आकर के हाजिरी हम लोगों ने लगाई है। इतनी विशाल पब्लिक थी और व्यवस्था इतनी सजग थी, किस तरीके से प्रबंधन किया गया था? देखिए, ये जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा एक परिवार है और हमारे कसरावत विधानसभा क्षेत्र में हमारे
जो कांग्रेस के हमारे जो संगठन के पार्टी के हमारे जितने भी साथी लोग हैं वो बड़ी आज से नहीं लंबे समय से जो है इस तरह के कई तरह के आयोजन जो है वो कर चुके हैं और उन्हीं के मेहनत का नतीजा है का परिणाम है कि आज निर्विघ्न रूप से जो है पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है और भविष्य में भी मेरे परिवार के सभी साथियों के सहयोग और आशीर्वाद से जो है इस तरह के विशाल कार्यक्रम हम लोग निर्विघ्न रूप से संपन्न करने का काम आगे भी करते रहेंगे। सवाल ये था कि अभी चुनाव में जिस तरीके से नगर परिषद और पंचायतों में सफलता, देखिए ये कोई मैं आज हम लोग सब धार्मिक आस्था लेकर के यहाँ पर आए हैं इसलिए कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि आपने बात रखी है तो हम लोग माँ नर्मदा से सभी साथी यही प्रार्थना लेकर के हम सभी साथी आए कि हमारा जो क्षेत्र है उन्नति करे, तरक्की करे, हमारा किसान आगे बढ़े, हमारे नौजवान आगे बढ़े, उनके हाथों में रोजगार मिले और हमारा क्षेत्र जो है स्वर्गीय पिताजी ने जो सपना देखा था उस प्रकार से जो है हमारा क्षेत्र निरंतर उन्नति और तरक्की करता रहे। कसरावत तहसील से अब्राहम पठान की रिपोर्ट।